नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 14 सितंबर, जिसे हम भारतीय हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आपको हिंदी दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हिंदी दिवस की शुरुआत हुई है सन 1953 से। 1953 से हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम भारतीय मनाते हैं, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1953 से। एक्चुअली में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में माना गया था और यहीं से हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में 1953 से मनाते चले आ रहे हैं। इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343(1) में किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि होगी देवनागरी। तो आप सभी को और हमें हिंदी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज 14 सितंबर 2020 दिन है सोमवार का। और देखिए, उत्तर प्रदेश में जो संविदा वाली बात चल रही है कि जो 5 वर्ष की संविदा होगी सरकारी नौकरियों के पक्का होने से पहले, उस पर भी करेंगे बात कि 69,000 पर लागू होगा या नहीं होगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे आईडीज आपके सामने हैं। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर आप हमें सर्च करिए और हमसे फटाफट कनेक्ट हो जाइए। तो देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में 5 वर्ष संविदा का नियम लागू नहीं हो सकता है, इस बात का अनुमान लगाया गया है। हालांकि मुख्य सचिव का जो बयान आया है उसके अनुसार अभी इस बात पर विचार किया जा रहा है कि ये जो नियमावली है 5 वर्ष संविदा वाली वो लागू हो सकती है, अभी लागू नहीं हुई है। और देखिए, जो आने वाली भर्तियां हैं उस पर ये प्रभावशाली होंगी, यानी कि वर्तमान जो भर्तियां रनिंग में हैं उसके प्रॉस्पेक्टस में बदलाव नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो मामला कोर्ट भी जा सकता है। तो इसलिए उम्मीद पूरी है कि आने वाली जो भर्तियां होंगी उस पर अगर ये नियम लागू हुआ संविदा वाला तभी लागू होगा, 69,000 पर इसके लागू होने की संभावना फिलहाल नहीं है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के फार्म में त्रुटि संशोधन के लिए कोर्ट के आदेश से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी तक मेरिट से बाहर थे, लेकिन अगर फॉर्म में संशोधन होता है तो डेफिनेटली जो चयन सूची जारी हुई है उसमें भी बदलाव होगा। बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने शिक्षा मित्र वाला कालम नहीं भरा था, जैसे ही फॉर्म संशोधन का मौका मिलेगा वो शिक्षा मित्र वाला कालम भरेंगे और वो रेस में आ जाएंगे और डेफिनेटली वो अपने जो उनका भारांक है उसकी वजह से वो निश्चित रूप से चयन सूची में होंगे और बहुत सारे लोग रिप्लेस भी होंगे। यानी कि फॉर्म में संशोधन के लिए जो अनुमति प्राप्त हुई है कोर्ट के द्वारा, अगर वो लागू होता है तो डेफिनेटली जो चयन सूची है उसमें भी बदलाव होगा। 69,000 के लिए बनाई गई उसकी मेरिट जो होगी वो प्रभावित होगी ही और सभी अभ्यर्थी, यानी कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनका भी जो चयन होगा वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर खबर यही है कि 68,500 भर्ती में जब फॉर्म में संशोधन का अवसर दिया गया था तो यही तर्क लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने 69,000 में भी संशोधन का अवसर मांगा था। हालांकि शुरू में इस पर पूरी तरह से ये कहा गया कि इस पर कोई भी मतलब कि सुनवाई नहीं हो रही थी और इसके बाद अभ्यर्थी जो थे और शिक्षा मित्र जो थे उन्होंने याचिकाएं की, जिस पर हाई कोर्ट ने अधिकारियों को मामले के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। हालांकि ये आदेश आया है, ये निस्तारण किस प्रकार से और कब होगा इसकी सूचना अभी नहीं है। जल्दी हम आपको सूचित करेंगे, जैसे ही कोई ऑथेंटिक ऑर्डर निकल के आता है हम आपको सूचित कर देंगे। और बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग रिजल्ट, यानी कि जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि सितंबर के अंत तक बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर अभी परीक्षाएं हो रही हैं, तो परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और यूजीसी ने यह भी कहा था कि 30 सितंबर तक जो अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएँ हैं वो करवाई जानी चाहिए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो बीएड की काउंसलिंग है वो टाल दी गई है। अभी जो काउंसलिंग होनी है वो अक्टूबर में करवाई जाएगी, ठीक है। तो बीएड की जो काउंसलिंग थी वो अभी फिलहाल जो मतलब कि 21 सितंबर से होनी थी वो अभी रद्द हो गई है और अब इसे जो है अक्टूबर में करवाया जाएगा। बीएड की राज समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने यह जानकारी हमें प्रदान की है, हमें क्या सभी को न्यूज़पेपर के माध्यम से। और 5 साल संविदा फिर पक्की होगी सरकारी नौकरी, जानिए क्या कहते हैं मुख्य सचिव। तो जैसा कि आपने देखा था कल के अखबारों में और कल से सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर लंबी बहस फैली हुई है कि राज्य सरकार सभी सरकारी विभागों में समूह ख और ग के पदों की भर्तियों में पहले 5 वर्षों के दौरान कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्त करने पर विचार कर रही है। संविदा की अवधि के दौरान ऐसे कार्मिकों को राज्य सरकार की ओर से नियत वेतन दिया जाएगा। इस अवधि में उन्हें नियमित सरकारी कार्मिकों को मिलने वाले सेवा संबंधी लाभ नहीं दिए जाएंगे।
संविदा अवधि के दौरान कार्मिक के प्रदर्शन का प्रत्येक छमाही में मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन में प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाले कार्मिक सेवा से बाहर कर दिए जाएंगे। एक्चुअली में देखा जाए तो ये बहुत ही अजीब तरीके का निर्णय है। ऐसा निर्णय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी ऑलरेडी जो है बहुत अधिक पढ़ाई करते हैं, पढ़ते पढ़ते ही उनकी उम्र बीत जाती है। कई वर्ष 2, 4, 7, 6 साल, 10 साल की प्रतियोगी परीक्षाओं की ताबड़तोड़ तैयारी करने के बाद वो चयनित होते हैं। उसके बाद भी गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद भी इस प्रकार की अनिश्चितता, ये तो वाकई विचार योग्य है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और संविदा वाला जो ये जो सिस्टम पुराना वाला था, 1 से 1.5 साल वाला, वही सही लग रहा था। और फिलहाल जितने भी प्रतियोगी हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। फिलहाल देखिए, आर के तिवारी जो कि मुख्य सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार के स्तर पर सतत सुधारात्मक विचार चलते रहते हैं। सरकारी नौकरी में संविदा को लेकर कोई भी अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब भी निर्णय लिया जाएगा वो जनहित, युवाओं का हित और प्रदेश का हित देखते हुए किया जाएगा। तो ये आर के तिवारी मुख्य सचिव जी का बयान है। तो उत्तर प्रदेश में ये जो संविदा वाला मैटर चल रहा है, इसको लेकर विपक्ष के सपा, कांग्रेस और आप पार्टियों के लीडर ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है। और यहाँ पर सपा के जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अब युवाओं के विरोध में आ गई है। अभी तक भर्ती के लिए चयनित कर्मी को 1 या 2 वर्ष प्रवेशन पर नियुक्ति मिलती है, उसे नियमित कर्मी की तरह वेतन और अन्य लाभ प्राप्त होते रहे हैं। राज्य सरकार के नए नियम लागू होने पर चयनित कर्मी को नियमित सरकारी सेवकों के अनमन्य लाभ नहीं मिलेंगे। वहीं पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि युवा नौकरी की मांग कर रहे हैं। यूपी सरकार भर्तियों को 5 साल के लिए संविदा पर रखने का प्रस्ताव ला रही है। ये जले पर नमक छिड़ककर युवाओं को चुनौती दी जा रही है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत ने कहा कि भाजपा सरकार जो 5 साल की संविदा पर नियुक्तियों की साजिश रच रही है, युवाओं के शोषण और भ्रष्टाचार, उससे क्या होगा कि युवाओं के शोषण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। 5 वर्षों में अधिकारी मनमाने तरीके से उनसे काम लेंगे और उन पर नौकरी जाने की तलवार हमेशा लटकी रहेगी और आम आदमी पार्टी भाजपा के इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। तो इस प्रकार के बयान जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं के आए हैं। और आपको बता दें, बीएड और एमएड की प्रवेश परीक्षा 1 अक्टूबर को होने वाली है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपना कार्यक्रम जारी कर दिया है प्रवेश परीक्षा का, जिसके अंतर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से बीएड और एमएड की प्रवेश परीक्षा 1 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश प्रकोष्ठ ने रविवार को पीजीएटी और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, यहाँ पर दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आप पढ़ सकते हैं अगर आप इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं तो। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल ने असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि पदों की संख्या बहुत ही कम है। यूपीपीसीएल में जो एआरओ के पद हैं उनकी संख्या मात्र 16 है। इस पर 29 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा है 21 से 40 वर्ष। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग अगर आपको आती है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। SC ST OBC जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं वो अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपकी गणना 1 जुलाई 2020 को की जाएगी और जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें लिखित परीक्षा और हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगी। और फीस होगी यूपी की SC ST वर्ग के लिए 700, बाकी के लिए 1000 रुपये। तो ये चीजें हैं। और जो भर्ती परीक्षा होगी वो अक्टूबर माह के 4th सप्ताह में आयोजित की जाएगी। तो ये जानकारी है, अगर आप चाहते हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं। और ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।